आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर की हम थ्योरी भी करेंगे और साथ के साथ हम लोग कुछ एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे। नीट 2025 वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन हर साल आता है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले पढ़ता है डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर के बारे में। डिफाइनिंग फीचर ओनली प्रेजेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जबकि नॉन डिफाइनिंग फीचर लिविंग में भी प्रेजेंट हो सकता है और नॉन लिविंग में भी। नॉन डिफाइनिंग फीचर में आ जाएगा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, एंड डिफाइनिंग फीचर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। डिफाइनिंग फीचर ओनली प्रेजेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। नॉन डिफाइनिंग फीचर कैन बी प्रेजेंट इन लिविंग और नॉन लिविंग, यानी कि लिविंग में भी प्रेजेंट हो सकता है और नॉन लिविंग में भी। एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब देखो, अभी हमने ये पैराग्राफ पढ़ा है, तो इस पैराग्राफ से किस टाइप का क्वेश्चन हमारे नीट के एग्जाम में बन सकता है वो देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डज नॉट कंटेन डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये है नॉन डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबोलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ये तो डिफाइनिंग फीचर है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डज नॉट कंटेन डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक, तो यही नहीं है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, क्योंकि नॉन डिफाइनिंग फीचर है। आंसर हो जाएगा हमारा पहला, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, सी बी और डी तो वैसे नहीं होने का ऑल ऑफ दिस। आंसर हो जाएगा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डज नॉट कंटेन डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक थोड़ी ना है, ये तो नॉन डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि ग्रोथ कुछ नॉन लिविंग में भी होती है और जबकि रिप्रोडक्शन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जैसे म्यूल, स्टराइल वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए। तो देखो, इस पैराग्राफ से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है हमारे नीट एग्जाम में वो हमने देख लिया है। चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं, साथ के साथ क्वेश्चन कराता रहूँगा मैं, और क्वेश्चन कराने का मेरा यही उद्देश्य है कि जो भी स्टूडेंट नीट 2025 को पहली बार देने वाले हैं उनको एक आइडिया लग जाएगी, हाँ इस पैराग्राफ से किस टाइप का क्वेश्चन हमारे नीट के एग्जाम में बन सकता है। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलो अब हम पढ़ते हैं ग्रोथ के बारे में। तो ग्रोथ एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर ट्विन करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। मास में इंक्रीज होना और नंबर में इंक्रीज होना ग्रोथ के ट्विन करेक्टरिस्टिक है। एंड बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। ऑर्गेनिज्म चाहे यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर, ग्रो कैसे करता है? सेल डिवीजन के द्वारा। ग्रोथ प्लांट में तो होती है थ्रू आउट लाइफ, जबकि ये एनिमल में अप टू सर्टेन एज। इंक्रीज इन बॉडी मास, बॉडी मास इंक्रीज होना कंसिडर्ड होता है ग्रोथ में। इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे कि माउंटेन और सॉइल वाइंडर्स कैन ऑल्सो ग्रो बाई एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सर्फेस, सो ग्रोथ इज नॉन डिफाइनिंग फीचर। सो ग्रोथ इज ए नॉन डिफाइनिंग फीचर। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे माउंटेन वगैरह भी ग्रो करते हैं, तो इस वजह से ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग फीचर है। अब देखो, इस पैराग्राफ से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है नीट 2025 में वो देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है विच टू ऑफ द बिलो गिवन पॉइंट आर नोन एज द ट्विन करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। तो अभी अभी हमने एक लाइन पढ़ी है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर ट्विन करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच टू ऑफ द बिलो गिवन पॉइंट आर नोन एज द ट्विन करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर अपना आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये गलत हो जाएगा और सेलुलर डिफरेंशिएशन ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला दूसरा कौन से ऑप्शन में है? पहले में। आंसर हो जाएगा हमारा ए, बी भी गलत, डी भी गलत और सी भी गलत। देखो, ये पहली वाली लाइन है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर ट्विन करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। इस लाइन से इस क्वेश्चन को बनाया गया है जो अभी हमने करा है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर ट्विन करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ पैराग्राफ से, ये भी इन प्लांट ग्रोथ अकर वेयर एज इन एनिमल इट अकर। ऑप्शन ए बी सी डी में से बताना है कि यहाँ पे क्या फील होगा। तो प्लांट में ग्रोथ होती है कंटिन्यूसली, जबकि एनिमल में इट अकर ओनली अप टू सर्टेन एज। अभी अभी हमने पढ़ा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। ये लाइन है ग्रोथ इन प्लांट थ्रू आउट लाइफ या कंटिन्यूसली, जबकि एनिमल में अप टू सर्टेन एज। इस लाइन से उस क्वेश्चन को बनाया गया है, इन प्लांट ग्रोथ अकर कंटिन्यूसली वेयर एज इन एनिमल इट अकर ओनली अप टू सर्टेन एज। आंसर भी है। अब पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग फीचर है। देर आर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस लाइक म्यूल, स्ट्राइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, हैंस रिप्रोडक्शन इज नॉन डिफाइनिंग फीचर। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे म्यूल, स्ट्राइल वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते लिविंग होते हुए भी, इसलिए रिप्रोडक्शन भी एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। अब यहाँ से कैसा क्वेश्चन बन सकता है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस।
इनमें से कौन सा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, म्यूल, वर्कर बीज या फिर इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, तो तीनों ही नहीं कर सकते, अभी अभी हमने पढ़ा है, तो आंसर इस वजह से हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, म्यूल, स्टराइल वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल डू नॉट रिप्रोड्यूस, इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ वन सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर एंड मेड ऑफ मोर सेल इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबोलिज्म द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अवर बॉडी इज मेटाबोलिज्म। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबोलिज्म, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबोलिज्म नहीं करते हैं। सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन जो भी बॉडी में हो रही है उसको मेटाबोलिज्म बोलते हैं, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबोलिज्म, और प्लांट एनिमल फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबोलिज्म। कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट एंड रेस्पॉन्ड टू दीज इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल। स्टिमुलाई कैसे हो सकते हैं, फिजिकल भी, केमिकल भी और बायोलॉजिकल भी। प्लांट रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड पोल्यूटेंट। ह्यूमन बींग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस एंड रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। देखो सिंपल भाषा में हम समझें कॉन्शियसनेस है क्या, तो अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। अब यहाँ से देखो किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है वो भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज करेक्ट। ऑप्शन ए दे रखा है द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। बिल्कुल सही बात है, अभी भी हमने पढ़ा है स्टिमुलाई फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल हो सकता है। ऑप्शन बी ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस एंड रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, ये भी सही है। कॉन्शियसनेस एंड रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। ऑप्शन ए बी और सी तीनों सही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है और ये लिखा हुआ है देखो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल हो सकते हैं। एंड ये वाली लाइन थी ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस एंड रेस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। इस लाइन से और इस लाइन को तीनों को उठाकर क्वेश्चन बना दिया गया था, आंसर इसलिए हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। बायोडाइवर्सिटी नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ डिस्क्राइब रेंज 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। ICBN और ICJN इन दोनों की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN एंड ICJN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICBN और ICJN, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICJN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICBN की फुल फॉर्म बतानी है तो बायोलॉजिकल नहीं होने का, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, आंसर हो जाएगा हमारा बी। ICBN इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था कैरोलस लिनियस ने। ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे ये आम का एग्जांपल है, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम होता है मेंजीफेरा इंडिका, तो जेनरिक नेम मेंजीफेरा और स्पेसिफिक एपिथेट इंडिका। यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, देखो बायोलॉजिकल नेम जो होते हैं ये कौन सी लैंग्वेज में होते हैं, लैटिन में, एन लिखे जाते हैं इटैलिक्स में। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे अभी हमने मेंजीफेरा इंडिका देखा था, तो मेंजीफेरा जीनस है एंड स्पेसिफिक एपिथेट इंडिका। बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन, मेंजीफेरा को अलग लिखेंगे और इंडिका को अलग, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। द फर्स्ट वर्ड नोटिंग द जीनस, मेंजीफेरा जीनस को डिनोट करता है एंड स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, तो एम
कैपिटल लेटर से, मतलब जीनस को जो हम स्टार्ट करते हैं लिखना तो कैपिटल लेटर से करते हैं। स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, इंडिका को स्टार्ट करेंगे स्मॉल लेटर से। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एग्जांपल ऑफ मेंजीफेरा इंडिका। क्वेश्चन है, नोमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विपरीत, मतलब इनमें से ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर को फॉलो नहीं कर रहा है वही बताना है हमें इस क्वेश्चन में। ऑप्शन सी में देखो एक लाइन लिखी हुई है, बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, एनी नहीं यहाँ पे लेटिन आगा। ऑप्शन ए में दे रखा है द नेम्स आर रिटन इन लेटिन एंड आर इटैलिसाइज, सही है बिल्कुल। ऑप्शन बी में दे रखा है व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम आर टू बी अंडरलाइन, ये भी सही है। ऑप्शन सी में दे रखा था बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, एनी नहीं आगा, एनी की जगह लेटिन होगा। बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन लेटिन लैंग्वेज। एंड ऑप्शन डी में दे रखा है द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस नेम एंड द सेकेंड इज ए स्पेसिफिक एपिथेट, तो ऑप्शन डी भी सही है। ऑप्शन सी ये रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर को फॉलो नहीं कर रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। बायोलॉजिकल नेम आर ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। अब यहाँ पे मैं ऑर्गेनिज्म और उनके टेक्सोनॉमी कैटेगरीज के बारे में बता रखा है, यहाँ पे कॉमन नेम और इधर बायोलॉजिकल नेम। मेन कॉमन नेम बायोलॉजिकल नेम हो जाएगा होमो सेपियंस, जीनस होमो और सेपियंस स्पीसीज। फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया और फाइलम हो जाएगा कोर्डेटा। हाउसफ्लाई बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका, जीनस मस्का, फैमिली म्यूसिडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा और फाइलम हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। मैंगो बायोलॉजिकल नेम है मेंजीफेरा इंडिका, जीनस मेंजीफेरा, फैमिली हो जाएगी एनाकार्डियेसी, ऑर्डर सेपिंडेलस, क्लास डाइकोटिलेडन एंड फाइलम एंजियोस्पर्म। फाइलम और डिवीजन एंजियोस्पर्म। फाइलम यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड डिवीजन यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। मैंगो डिवीजन एंजियोस्पर्म एंड वीट। बायोलॉजिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम, जीनस ट्रिटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएलस, क्लास मोनोकोटिलेडन एंड डिवीजन एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल विच शोज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। यहाँ पे कॉमन नेम और फैमिली, ऑर्डर, क्लास और ये फाइलम, ए बी सी डी को पहचानना है यहाँ पे क्या आएगा। मेन फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया, फाइलम हो जाएगा कोर्डेटा, तो ए आ जाएगा कोर्डेटा। हाउसफ्लाई फैमिली मस्किडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, बी हो जाएगा इंसेक्टा। मैंगो फैमिली हो जाएगी एनाकार्डियेसी, सी आ जाएगा एनाकार्डियेसी। एंड डी पोएसी फैमिली, ऑर्डर पोएलस, क्लास आ जाएगा मोनोकोटिलेडन। ए हो जाएगा कोडेटा, बी इंसेक्टा, सी एनाकार्डियेसी और डी मोनोकोटिलेडन, तो ऑप्शन ए बी सी डी में देख लेते हो। ए कोडेटा, बी इंसेक्टा, सी एनाकार्डियेसी एंड डी मोनोकोटिलेडन, ऑप्शन ए से हो जाएगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।